क्या आप जानते हैं टमाटर में कितने ज़्यादा विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और आप डेली टमाटर कंज्यूम कर सकते हैं खासकर सर्दियों के मौसम में। बस टमाटर के बीज को आपको अवॉइड करना है। इसी बात पे चलिए आज मार्केट से ले आते हैं लाल लाल टमाटर और बनाते हैं ये हेल्दी सा टोमेटो सूप, जिसे बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, सो यू कैन मेक इट एवरी सिंगल डे। तो यहाँ मैंने लिया है आधा किलो टमाटर और 3 से 4 गाजर जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और ये धनिया की डंठल जिसे हम हमेशा फेंक देते हैं, ये बहुत हेल्दी होती है। लेट्स यूज इट इन अ सूप। तो यहाँ मैंने कुकर में 1 चम्मच बटर डाला, उसमें आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा जिंजर, गार्लिक और अनियंस को रफली चॉप कर लिया था। इन सबको थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, गाजर, धनिया की डंठल और बीटरूट। बीटरूट इसलिए क्योंकि सबको पता है कि यह कितना ज्यादा हेल्दी है, बट फिर भी कोई इसे खाना नहीं चाहता है। चलिए इसे सूप में यूज करते हैं। साथ में काली मिर्च, नमक और चीनी मैंने डाला है आधा आधा चम्मच। इन सबको 3 से 4 विसल तक मैंने कुक किया है। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बट फिर भी ग्राइंड करने के लिए आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। इन सबको हमें छान लेना है ग्राइंड करने के बाद से, और इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लें। छानने के बाद से सूप को हम बॉईल करेंगे, एक बार टेस्ट कर लें, फिर इसमें स्वादानुसार नमक, चीनी और काली मिर्च अगर जरूरत लगे तो थोड़ा ऐड करें। 1 चम्मच इसमें बटर डालें और इसे अच्छे से बॉईल होने दें थोड़ी देर के लिए। सूप को थिक करने के लिए मैं इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज इट्स रियली नॉट रिक्वायर्ड। बस ऐसे ही गर्मा गर्म और ये फ्रेश बना हुआ सूप एंजॉय करें, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सेव जरूर करें। थैंक यू।